चैनल माहिर खान फूड ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज हम कस्टर्ड बनाने जा रहे हैं, कस्टर्ड की आइसक्रीम। तो कस्टर्ड की आइसक्रीम के लिए मैंने यहाँ पे आधा लीटर दूध लिया है और उसमें से मैंने एक कप दूध बाहर निकाल लिया था और इसमें मैंने 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाला है। जैसे ही हमारे मिल्क में उबाल आ जाएंगी, मैं अपने कस्टर्ड को जो मैंने मिल्क में घोला है इसे इसमें ऐड कर देंगे और जब तक ये थिक नहीं हो जाएगा हम इसे नहीं उतारेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिल्क में उबाल आने का वेट करते हैं। उबाल आ चुके हैं और हमने जो कस्टर्ड को मैंने मिल्क में डाला था, ठंडा मिल्क में डालना है, गर्म में नहीं डालना, नहीं तो लंग्स हो जाएंगे। और अब हम इसमें कस्टर्ड को वाली मिल्क को इसमें ऐड कर देंगे और इसे चलाते रहेंगे मीडियम फ्लेम पर। डालते के साथ ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है कस्टर्ड। तो फ्रेंड्स, इसे थोड़ा सा ठीक होने का वेट करेंगे, उसके बाद हम इसे उतार देंगे। लो फ्लेम पर ही करना है। और यहाँ पे हम 4 बड़े चम्मच यहाँ पे हम शुगर फ्री चीनी डाल रहे हैं। आप चाहें तो अदर्स चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे शुगर फ्री यूज़ कर रही हूँ। और इसे चलाना है हमें, और ये तो ठीक हो ही चला है, थोड़ा सा और इसे हमें थोड़ा सा गाढ़ा करना है, उसके बाद हम इसे बाहर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वेट करते हैं। तो हमें इसी तरह से इसे बीच बीच में चलाते रहना है, इसे छोड़ना नहीं, नहीं तो ये नीचे से सटने लगेगा हमारा कस्टर्ड। और थोड़ा सा हम इसे और गाढ़ा करके हम इसे बाहर कर लेंगे और 2 घंटे के लिए इसे फ्रीज में रख लेंगे किसी कंटेनर में। हमारे कस्टर्ड आइसक्रीम के लिए ये घोल ठंडा हो चुका है, हम इसे कंटेनर में से इस तरह से ऐड कर देंगे। इस तरह से सारे मिश्रण को हम ऐड कर देंगे और हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रीज में इसे रख देंगे। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए थोड़ा देर बाद बताएंगे। रखे हुए हमारे कस्टर्ड आइसक्रीम का 1 घंटा हो चुका है, तो अब हम इसे खोल लेंगे। खोलने के बाद हम एक बाउल में इसे डालेंगे। डालने के बाद हम इसमें ये अमूल का ये फ्रेश क्रीम है जो हम इसमें ऐड करेंगे, इसी से हमारा आइसक्रीम सॉफ्ट बनेगा। तो ये हमारा अमूल का जो क्रीम है हम इसे इसमें ऐड करते हैं। इतना काफ़ी है हमारे लिए आधे के जी में। और इसे हम अच्छे से फेंट लेते हैं क्रीम को, अमूल का फ्रेश क्रीम को। और ये अच्छे से फेंटा चुका है, अब हम इसमें थोड़ा सा टूटी फूटी डाल देंगे। डालने के बाद इसे फ्रिज में, चाहे तो आप 2 घंटा 3 घंटा में जम जाए आइसक्रीम तो ठीक है, नहीं तो रात भर इसे छोड़ दीजिए। रात भर हम इसे जमने के लिए आइसक्रीम को, कस्टर्ड आइसक्रीम को छोड़ेंगे। तो चलिए 2 घंटे रात भर हम इसे छोड़ देते हैं जमने के लिए। इस तरह से हमने यहाँ पे ये अमूल का जो फ्रेश क्रीम ये था, मैंने आधा के जी दूध में पूरा ये डब्बे को डाल दिया है। और फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसे हाथ से भी, हाथ की मदद से भी इसे इस तरह से चला सकते हैं, और चाहे तो ग्राइंडर जार की मदद से इसमें सारे बैटर को डाल करके ग्राइंड कर लेना है। तो जो आपको अच्छा लगे, उससे जो बैटर लगे उसे आपको करें। मुझे तो लग रहा है कि मैं अपने हाथ से ही मैं इसे इस तरह से फेंट लूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसे हम रात भर के लिए फ्रीज में रख देते हैं, हमारा आइसक्रीम रात भर में जम के तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारे कस्टर्ड की आइसक्रीम बन करके पूरी अच्छे तरह से तैयार हो गई है। मैंने इसे रात भर फ्रीज में रख दिया था और ये अच्छे से जम चुका है। और अगर आप लोगों को हमारे कस्टर्ड की आइसक्रीम का रेसिपी अगर अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल वाले घंटी को बजाना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा आइसक्रीम अच्छा लगा कि नहीं कमेंट करके जरूर जरूर से बताइएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। Me, we.